बिहार सरकार के प्रावधान है कि सात निश्चय योजना के तहत हर घर में स्वच्छ नल जल पहुंचाने की प्रावधान है, लेकिन अफसोस की बात है कि औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड के महुआ पंचायत के महुआ गांव में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला है। पानी बिल्कुल यहां पर है ही नहीं पीने के, खाने के लिए। विधायक फंड से नल भी बिछा है, लेकिन वह भी बिल्कुल अभी कार्यरत में नहीं हो पाया है। पानी लग जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुनिया पर आधा मीटर दूर पड़ता है पानी लावे में, चावल धोए में, कपड़ा धोए में, नहाए में, खींचे में, हमको लोग को बहुत दिक्कत है। तो आते हैं बेरा बार से तो पानी भरते हैं तो कुछ खाना पीना बनाते हैं, कोई के घर में यहाँ पानी नहीं, आके चेक करके देख लीजिए। तो बताइए कि आप लोग के घर में पानी जाने के लिए पाइप से गांव में बिछा हुआ है ना? बिछा हुआ है सर, तो 6 महीना से बिछा है। देख के तो मन खुश हो गया कि अब हम लोग के पानी मिलेगा, मगर पानी नहीं मिल पा रहा है। यह समस्या 5-6 महीना से चल रहा है। तो इस समस्या समाधान के लिए आपने किसी जनप्रतिनिधि के पास में फ़ोन किए थे या संपर्क किए थे कि संपर्क तो मुखिया से, सरपंच से, विधायक से भी कहा गया, लेकिन कोई भी इसका मैंने उपाय नहीं कर सके लोग। तो उन लोगों ने क्या बताया? बताया कि हो जाएगा, खाली यही बोलते हैं। कहा गया है कि जल ही जीवन है, अगर जल है तो जीवन है, अगर जल नहीं रहेगा तो लोगों का जीवन कैसे बचेगा। इस समुदाय की मांग है कि जो स्थानीय विधायक अशोक सिंह के माध्यम से जो यहाँ पाइप बिछाई गई गांव में और बोर नहीं हुआ और नहीं ना टंकी बैठा, कम से कम इसको बोर करके टंकी बैठाया जाए ताकि लोगों को घर तक स्वच्छ जल मिल सके। यह वीडियो देखने वाले साथियों से अनुरोध है, यह वीडियो को देख करके PHD विभाग के मोबाइल नंबर 9434-42-48 पर कॉल कर हमारी मदद करें ताकि इस गांव में स्वच्छ जल लोगों को पानी मिल सके। मैं सुरेंद्र शर्मा, वीडियो वॉलंटियर्स, ग्राम महुआ, जिला औरंगाबाद, बिहार, इंडिया, नट के लिए।